तो यहाँ पे मैं वापस आ गया अपने रो फिर वाइस्टर्न में। वाइस्टर्न में बहुत बड़ा कार रेस होने वाला है जिसमें बहुत सारे डायमंड मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैं बहुत सारे डायमंड कमाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं साइकिल से बहुत बड़ा जंप मार चुका हूँ, मतलब कि भाई बहुत खतरनाक स्टंट हुआ है साइकिल से। ओ भाई यहाँ पर क्या खतरनाक स्टंट था, यहाँ पर मैं साइकिल से गिरा भी नहीं, मतलब कि भाई एक नंबर स्टंट था। चलो यहाँ से हम निकलते टिप्सन दादा के पास, वहाँ पर जाने के बाद हम जाएँगे कार रेस करने। तो यहाँ पे हमें किसी से मिलना होगा, मतलब कि भाई इसे इधर किसी से मिलना होगा। मुझे सामने एक गुंडा दिख रहा है, मतलब कि भाई ये बहुत खतरनाक गुंडा है, जोकर के भेष में बहुत बड़ा गुंडा है। हे hey, हमको गुंडा बोलेगा तो तेरे को काट डालेगा, तू जानता नहीं मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। हाँ मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं तेरे साथ दो दो हाथ बिल्कुल नहीं करूँगा। चलो हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ये क्या, ये हमसे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन हम यहाँ से निकलते हैं टिप्सन दादा के पास, क्योंकि वही बताएंगे बहुत बड़ा रेस होने वाला है, कार रेस जिसमें बहुत सारा डायमंड मिलेगा। तो इसके लिए मुझे बाइक चाहिए, इसकी बाइक मुझे अच्छी लग रही है, चल अपनी बाइक दे दे चुपचाप। नहीं मैं अपनी बाइक नहीं दूंगा, ये क्या रो फिर ने उठा के फेंक दिया मेरी बाइक पे, से छोड़ूंगा नहीं रो फिर तेरे को। तो तेरी बाइक मैं वापस कर दूंगा, चिंता मत कर। हम जाएंगे टिप्सन दादा के पास, उसके बाद हम सबसे बड़ा रेस करेंगे, कार रेस जिसमें बहुत सारे डायमंड मिलेगा, लेकिन ये रेस काफ़ी खतरनाक होने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकॉन दिख रहा है ना, उसे ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एक वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो लगभग हम आ चुके हैं टिप्सन दादा के पास, हम उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद देखो क्या खतरनाक मिशन करने वाले हैं कार का। तो लगभग बहुत खतरनाक कार आने वाली है। तो तेरी ये कार रेस तू जीत जाएगा तो तू माला माल हो जाएगा, तू कुछ भी खरीद सकता है, जा जल्दी जा, कार रेस स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ से हम निकलते हैं कार रेस के लिए, कार रेस शुरू होने वाला है, मतलब कि भाई मुझे बहुत जल्दी पहुँचना पड़ेगा कार रेस में, लेकिन यहाँ पे टिप्सन कुछ पी रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं। तो फटाफट अपनी बाइक में बैठो, बैठने के बाद फटाफट निकलना पड़ेगा, मतलब कि भाई यहाँ पे कार रेस स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में। तो भाई हमें बहुत जल्दी पहुंचना पड़ेगा, लगभग हमें सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद देखो मैं क्या स्टंट मारता हूँ अपनी बाइक पे से, बहुत खतरनाक स्टंट मारूंगा, मतलब कि भाई बिल्डिंग पे से कूदा दूंगा अपनी बाइक को। चलो अपनी बिल्डिंग पे जाएंगे, बिल्डिंग पे से जाने के बाद हम एक बाइक को बाय करेंगे। रोफिर के पास बहुत सारा पैसा, हम नहीं छोड़ेंगे, हम है पुलिस वाले। मुझे पता था कि तुम लोग मेरे पीछे आओगे पुलिस वालों, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रह गया, मैं पहले से पावरफुल बन चुका हूँ और यहाँ पे मेरी बाइक आ चुकी है। चलो मैं यहाँ पे स्टंट करूँगा बाइक स्टंट, बहुत खतरनाक स्टंट होने वाला है। तो लगभग शुरू करते हैं अपने स्टंट को, तो मुझे सामने जाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, सेट करने के बाद देखो मैं क्या खतरनाक स्टंट करता हूँ, देखता हूँ भाई बाइक कहाँ पे जाके गिरेगी। तो शुरू करते हैं, तो कर चुका हूँ बाइक स्टंट। ओ भाई क्या खतरनाक वाला सीन है। चलो आसमान में मैंने कुछ मारा, मतलब कि भाई यहाँ पे मैं गोलियाँ मार रहा हूँ, और यहाँ पे मैं नदी में गिर गया, हड्डी वड्डी टूट गई। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो हमें तो सामने ही जाना है, पास में ये, पास में जाने के बाद देखो मैं यहाँ पे कार रेस कैसे स्टार्ट करता हूँ। अब बहुत खतरनाक रेस होगी, मतलब कि भाई टक्कर पे टक्कर होगा रेस में। और यहाँ पे बाहर निकल चुका हूँ नदी में से, नदी में से बाहर निकलने के बाद अब मुझे जाना पड़ेगा सामने की तरफ, मतलब कि भाई सामने ही जाना है मुझे। चलो निकलते हैं, हम रोप मार के जाएंगे, फटाफट पहुँच जाएंगे। तो लगभग मैं पहुंच चुका हूं, अब पहुंचने के बाद देखो मैं यहाँ रो फिर हम तेरे पीछे हैं, तू नहीं बचेगा रो फिर, अब तेरा क्या होगा। तो यहाँ पे मैं पहले जैसा नहीं रह गया पुलिस वालों, मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका हूं और बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूं। लेकिन ये कार वाला यहाँ पे क्यों खड़ी करके रखा है, ये नहीं जानता कि यहाँ पे बहुत बड़ा रेस होने वाला है कार का। चलो अपनी रेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद देखते हैं भाई कौन जीतेगा, जो जीतेगा उसे बहुत सारा डायमंड मिलेगा। अब देखते जाओ ये, लेकिन ये क्या, ये कार बहुत ख़राब मिली भाई, मुझे फरारी मिलनी चाहिए, सामने वाले को फरारी मिल ली और मेरे को इतनी खटारा कार दे दी, ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, लेकिन जितना तो बहुत मुश्किल हो गया। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अपने कार रेस को। मैंने वापस से स्टार्ट किया ताकि मुझे बहुत अच्छी कार मिले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वापस से वही कार मिली मुझे। तो स्टार्ट हो चुकी है अपनी कार रेस और वापस से उसको फरारी मिल चुकी है। और देखते हो जाए ये ओ भाई पानी में गिर गया, ये तो सीधा बहुत खतरनाक रेस हो रहा है, मतलब कि भाई एक दूसरे को टक्कर मार दे, और यहाँ पे ये मुझे टक्कर मार रहा है ताकि ये जीत जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं जीत के दिखाऊंगा और डायमंड कमा के दिखाऊंगा, तुम लोग मेरे पीछे ही रहोगे। यहाँ पे मैं दो नंबर पे हूँ, मतलब कि भाई मुझे फर्स्ट आना है ताकि मुझे डायमंड बहुत सारा मिल सके। चलो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊँ और बहुत सारे डायमंड कमा लूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल को आइकन ज़रूर दबाना ताकि हमारी वीडियो मिलते रहे आपको।
तो यहाँ पे हम जीतने की कोशिश करेंगे ताकि हम फर्स्ट आए और बहुत सारे डायमंड कमाए। तो लगभग आगे चला गया भाई, ये बहुत ख़तरनाक चला रहा था मेरे से, मतलब कि भाई यहाँ पे मुझे थर्ड नंबर पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये ठुक चुका है भाई, कोने में पड़ा था ठुक के, मतलब कि भाई यहाँ पे मैं फर्स्ट आ चुका हूँ और लगभग यहाँ पे मैं जीत जाऊँगा। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये तो बहुत गलत हुआ। चलो तो भी मैं जीतने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ये तो बहुत तेज़ चला। रो फिरो, मैं तेरे को जीतने नहीं दूंगा, मैं डायमंड कमाऊंगा, तू नहीं जीत पाएगा, रो फिरो। तो हमें ये पीछे करेगा, ये नहीं जानता कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, अब पहले जैसा नहीं रह गया रो फिरो, मतलब कि भाई कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन चुका है रो फिरो। और यहाँ पे मैं फर्स्ट आ चुका हूँ और मुझे डायमंड मिल चुका है, और यहाँ पे मुझे एड देखने के बाद ये डायमंड डबल हो जाएगा, डबल हो जाने के बाद और यहाँ पे मुझे कुछ पैसे भी मिलने वाले हैं। तो देखते जाओ मैं पैसा कैसे कमाता हूँ, तो फटाफट मैं अपना पैसा कलेक्शन कर लेता हूँ, कितना मुझे मिला है रेस में जीतने के बाद। नहीं रो फिरो, ऐसा कैसे हो सकता, तुम कैसे जीत सकते हो रो फिरो। तो रेस में जीत चुका हूँ, जीतने के बाद मैं देख लेता हूँ मैंने कितना कमाया रेस में, तो यहाँ पे मैं कलेक्शन कर लेता हूँ, कलेक्शन करने के बाद देखता हूँ भाई कितना कमाया है, इससे मैं मोस्टर कार भी खरीद सकता हूँ, बहुत बड़ी कार भी खरीद सकता हूँ। फटाफट कलेक्शन कर लेता हूँ, कलेक्शन करने के बाद मैं बहुत अच्छी कार भी खरीद सकता हूँ, तो कर लेता हूँ, करने के बाद देखता हूँ भाई कितना कलेक्शन होता है और होता है क्या, मतलब कि भाई पैसा इधर बढ़ते जा रहा है, बहुत सारा पैसा कमा लिया, मतलब कि भाई कुछ ज़्यादा ही कमा लिया। कमाने के बाद देखो भाई, हे भिखारी तू मेरे कार के सामने से हट जा, तू नहीं जानता मैं कितना खतरनाक हूँ, हट जा भिखारी यहाँ से। रो फिरो की बेइज्जती कर दी, इसका बदला लेके रहेगा रो फिरो, तुझे नहीं छोड़ेगा, पहले जैसा रो फिरो नहीं रह गया, पहले भिखारी था अब बहुत अमीर बन चुका है, अब तू नहीं बचेगी, तू नहीं जाएगी। है तू नहीं जानता कितनी महंगी कार है, तू हमारी गर्लफ्रेंड की कार को खटारा बनाएगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत बोल रहा था इसलिए मैंने इसको टपका दिया, अब ये नहीं बचेगी। लेकिन ये क्या, इसने तो मुझे ठोक के गिरा दिया, इसका बदला मैं लेके रहूँगा, तू कहाँ भाग के जाएगी, अब देखती जाओ क्या होता है इसके साथ, मतलब कि भाई इसको छोड़ूंगा नहीं, इसकी कार को मैं तबाह कर दूंगा। ओ भाई इसने तो मुझे मार के सुला दिया, मतलब कि भाई ठोक के सुला दिया, वो भी अपनी कार के ऊपर। ओ भाई मतलब कि भाई क्या खतरनाक सीन हो चुका है, और यहाँ पे पुलिस भी लग चुकी है मेरे पीछे, और इसने बहुत खतरनाक ठोका है, इसका बदला तो मैं लेके रहूँ, कोई मुझे बचाओ रो फिर उसे, ब्रो फिर बहुत खतरनाक बन चुका है। तो यहाँ पे मेरे पीछे पुलिस लग चुकी है, मतलब कि भाई मुझे बच के रहना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला मैं लेके रहूँगा, मतलब कि भाई बहुत खतरनाक ठोका है मेरे को, इसका बदला तो लेना बनता है ना, लेकिन इसने दोबारा मुझे ठोक दिया, इसका बदला तो मैं लेके रहूँगा, कहाँ भाग के जाएगी। लेकिन यहाँ पे जोकर मुझे मार रहा था, इसका भी बदला लूंगा, जोकर चिंता मत कर तेरे को पीटेंगे। रो फिरो अब तू नहीं बचेगा, तेरा क्या होगा रो फिरो। तो यहाँ पे पुलिस वाले ने मुझे मार के सीधा सुला दिया था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दिख रहा है ना उसे ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे, और हम आ चुके हैं टिप्सन दादा के पास। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे सेट कर दो बेल को, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।